सेना के सेना नायक दाहिनी तरफ मंत्री जी बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, भूल जाते हो? भूल नहीं जाते हैं मंत्री साहब, अजय सिंह हाँ बैठे नजर आए। और क्या देखा? और महाराज के बाई तरफ सेनापति सेना के नायक हाँ अपने उचित स्थान पर बैठे नजर आए। मैंने यही देखा। हमने देखा क्या? देखा कि रात दरबार लगा हुआ था। हाँ? रात दरबार में अपने महाराज जी अपने सिंहासन पे विराजमान थे। हाँ? महाराज जी के दाहिने हाथ की तरफ प्रजा के रखवाले मंत्री अजय प्रताप सिंह बैठे हुए थे। हाँ? महाराज जी के बाई हाथ की ओर सेना के अफसर सेनापति विजय सिंह अपने उचित स्थान पे बैठे हुए थे। हाँ? महाराज जी ने मंत्री अजय प्रताप सिंह से इस प्रजा के विषय में समाचार पूछे। क्या पूछे? मंत्री अजय प्रताप सिंह इस शंकरगढ़ रियासत के सभी समाचार को बताएं। उसके बाद सेनापति जी से बादर के विषय में समाचार पूछे। बादर के? नहीं बादर नहीं, आकाश। बादर बादर नहीं, शिमला पर्वत जिसको कहते हैं बादर। अच्छा अच्छा, शिमला पर्वत। शिमला पर्वत के विषय में समाचार पूछे। सेनापति शिमला पर्वत के सभी समाचार को बताएं। क्या बताएं? कि महाराज जी सभी लोग और सभी सैनिक अपने अपने काम पे तैनात हैं, अपनी ड्यूटी पे रेडी हैं, किसी दुश्मन की औकात नहीं है कि जो सीमा सरहद को पार कर सके। अगर सीमा सरहद को कोई दुश्मन पार करने की कोशिश करेगा तो सेनापति के नौजवान साथी उसे गोलियों से छल्ली कर देंगे। और देखिए भरे दरबार में मंत्री अजय प्रताप सिंह खड़े हो गए और कहने लगे कि महाराज जी आपके लिए अफसोस की बात है, जब आप की इस प्रजा की तरफ जाते हैं तो प्रजा के लोग आपके नाम को गाली देते हैं, आपके नाम को बदनाम करते हैं कि महाराज शंकर सिंह अबलाओ कर अबलाओ के इज्जत कर लुटेरे हैं। इज्जत कर लुटेरे हैं। यार हम सोच ही रहे हैं, भरे दरबार में गवाही तो हम दे दी ना, लेकिन आज तक हमने किसी के मुंह से नहीं सुना कि कोई व्यक्ति कौन सज्जन महाराज जी को बदनाम करता है। यार एक बात ये बताओ, यार पैसा इंसान है कि महाराज कौन ऐसा गलत काम किया है कि महाराज को गाली देते हैं? ऐसा है और अबला के लुटेरे भी कहते हैं। ऐसा है। हाँ? इंतजार कीजिए, मंत्री जी आएंगे। हाँ? स्वयं बताएंगे। हो रही थी आप ही के विषय हम लोग बात कर रहे थे। हमारे विषय की कौन सी बात कर रहे थे भाई? तुम्हारी बच्चों हुजूर हम लोग ये बात कर रहे थे, बातें तो बहुत हुई लेकिन मेन बात हम लोग ये कर रहे थे कि अपने महाराज जी इतने अच्छे इंसान थे, किसी रियाया को गलत नजर से देखते तक नहीं आए। कौन ऐसा शायद है जो महाराज जी को बदनाम करता है और गाली देता है? और गाली देता है। हमारे लोगों को गुस्सा चढ़ी आई है। तुम्हें कैसे मालूम कि महाराज बहुत अच्छे हैं? जी तुम्हें कैसे मालूम भाई कि महाराज बहुत अच्छे हैं? आज तक हम लोगों को महाराज जी एक गलत शब्द कभी नहीं कहे। तुम्हें नहीं कहा तो हम लोग अगर प्रजा को गलत कहते हैं तभी तो प्रजा उन्हें गाली देती है। लेकिन हुजूर भरे दरबार में आपके कहने के मुताबिक तो हम गवाही दे दिए थे, लेकिन किसी के मुंह से मैंने नहीं सुना कि कौन ऐसा शख्स है जो महाराज जी को गाली देता है। हम जानते हैं, अगर वो इंसान मिल गया तो तुम दोनों क्या करोगे? क्या करोगे? अगर वो इंसान अगर वो शख्स अगर हमका अगर मिल जाए
महाराज को बदनाम करने वाला भगवाने जाने, भगवाने जाने अगर वह इंसान अगर हमका मिल जाए तो इतनी गोली मारब, इतनी गोली मारब कि खोखा बिने वाला लखपति हो जाए। शाबाश शाबाश महादान के वफादार। क्या फेंका रहे चुने वाले? मेरे पास क्या था? तुम क्या करोगे अगर मिल गया? हुजूर अपने महाराज जी इतने अच्छे इंसान है, इस संकलगढ़ रियासत में किसी रियाया को गलत नजर से देखते तक नहीं है। अच्छा, कौन ऐसा सायक्स है? अगर मिल गया तो क्या करोगे? अगर वो साला चोर उठाई गिर छौकन, महाराज जी को बदनाम करने वाला सायक्स, चोर उठाई गिर छौकन, रंडी छिनार। मेरे मौत ऐसा था कहीं कुछ कर। मालिक अब गुस्सा तो ही आई। अगर वो महाराज जी को बदनाम करने वाला शख्स अगर हमारे सामने आ गया, साला चोर उठाई गिर छौंटक, रंडी छिनार हर जाई, अगर हमका मिल गए तो बीच चौराहे बैठाएगी, खोपड़ी के बाहर घोटाएगी, यही मुहेबा, हाँ यही मुहेबा, साले के भीषण जूता मारी। हम मारोगे तो ठीक है, खाली दिखा जाओ, हमारा जूता फेंक दे, हम उसे बुलाते हैं और जैसे आ जाए जूता चला देना और तुम साले गोली चला देना। साला चोर, देखो वो सामने आ रहा है, दूरदर्शन उतारो अपने जूता और मैं उसे बुलाता हूँ। आराम शंकर सिंह को बदनाम करने वाला कोई दूसरा नहीं, यही मंदी अजसी का चला। लेकिन हुजूर हम लोग आपके जूता नहीं मार सकते हैं। जूता तो मार दे मालिक, जूता तो ये मुझे मान ले जाए, लेकिन हुजूर आपके हम लोग इसलिए नहीं मार सकते हैं, आप हमारे लोगों के मालिक हैं। लेकिन हुजूर आप बदनाम करते हैं तो किस लिए बदनाम करते हैं, हम लोग जानना चाहती हैं। समो
पूर्वा भनमा रथ मालिक। कौन हूं मैं? मांस का दूसरा नाम मंत्री अजय सिंह। जो करे बगावत वो मरे भरी जवानी में। अरे मंत्री अजय सिंह वो वाला है, आग लगा देता है पानी में। तुम तो साले इंसान हो, याद रखो अगर दोबारा गलती हुई तो जिंदा दफन कर देंगे वही 80 हाथ जमीन के नीचे। अब ना होई, अब ना होई। क्यों क्यों नहीं होगी? अगर कहूं करवाई तब हूं ना होई। मालिक हम लोग जानना चाहते हैं, आप बदनाम करते हैं तो क्यों बदनाम करते हैं, किस लिए बदनाम करते हैं? बहुत पुरानी कहानी है। क्या मालिक तोता मैना वाली है का? ना तोता मैना की है ना रानी सरंगा की है, एक गरीब की है। जानना चाहते हो कि मैं महाराज को क्यों बदनाम करता हूँ? आज से 20 साल पहले की बात है, ये महाराज नहीं थे। फिर कौन थे? इनके पिता महाराज अमर बहादुर थे। वो हमेशा विजयपुर गांव आते जाते थे। तो मालिक उसी विजयपुर गांव में एक अंजना नाम की लड़की रहती थी। तो मालिक आगे क्या हुआ? बहुत खूबसूरत थी, परिवार में कोई नहीं था, अकेली थी। जंगल में लकड़ियां काटती थी, बाजार में बेचती थी, अपना पेट पालती थी। एक दिन महाराज अमर बहादुर घोड़े पे सवार हुए जी हुजूर, और प्रजा की ओर चल पड़े। फिर क्या हुआ मालिक? क्या देखा कि वो अंचना नाम की लड़की जंगल में लकड़ियां काट रही है। जी देखे तो उसमें मोहित हो गए और महाराज उसे देखते रह गए। बोले, इन हाथों में कुल्हाड़ी शोभा नहीं देती, इन हाथों में तो मेहंदी शोभा देती है। सही कहे। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए हमारी हवेली के दरवाजे खुले हैं। फिर क्या हुआ? हम तुम्हें राजरानी बना सकते हैं। हुजूर उसके बाद क्या हुआ? वो कमबुद्ध की औरत महाराज की बात काट न सकी, प्यार कर बैठी। ये प्यार का चीज है? खटिया बांध दी जात है, हम समझी वही का चबावा जात है। चार 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 सुनोगे तो सही, सुनकर चुपचाप खड़े रहो। उसके बाद फिर क्या हुआ? सिलसिला चलता रहा, महाराज उससे छुप छुप के मिलने लगे। अंचना ने कहा, महाराज अगर कुछ हो जाएगा तो ये समाज फिर मुझे जीने नहीं देगी। महाराज ताने मार मार कर मेरा जीना हराम कर देगी रजन। महाराज ने कहा, अगर कुछ हो जाएगा तो हम तुम्हें राजरानी बनाएंगे, वादा करते हैं। महाराज उससे छुप छुप के मिलते रहे, वो गर्भवती हो गई। लंबादार ये गर्भवती का चीज है? जाके अपनी माँ से पूछो। अम्मा कहाँ है? हम पैदा थोड़ी बहन है, हम पैदा कहाँ बहन है? फिर हम पैदा नहीं बहन, खेते में जामे हैं, बप्पा हमें उछाल ले आए। अच्छा उछाल लाए, तब भी पूछ लेना, वो बता दे। लेकिन हुजूर यह गर्भवती का चीज है? अबे उसके पेट में बच्चा आ गया। ओ कहा का मतलब वह अचना नाम की लड़की की शादी नहीं हुई, उसी प्यार के चक्कर में वो लड़की यो। जब हम कबो गर्भवती हुए हो तो वही का हम जानी। अगर हो तम हो गए गर्भवती। जब वो गर्भवती हो गई तो गांव के लोग उसे ताना मारने लगे, उससे ताना सहा न गया। वो भागकर महाराज के पास गई, बोली, महाराज अब ये समाज मुझे जीने नहीं दे रहा है राजन, अपना दिया हुआ वचन पूरा कीजिए। जानते हो महाराज ने क्या कहा कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं, दरबारियों को हुक्म दे दिया इसे राज दरबार से
धक्के मार करके भागा। वैसे महाराज ने किए तो बहुत बड़ा गलत काम किए, प्यार भी किए और धक्का मार के निकाल भी दिए। उसके बाद क्या हुआ? बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुना। फिर क्या हुआ? बहुत परेशान हो गई जी, बोली इस जीना से अच्छा तो मर जाना ठीक है जी। अब मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। गई नदी के पास जी, जैसे नदी के पास गई मरने के लिए, जैसे ही मरने के लिए गई वहां एक संत जी आए। तो क्या हुआ? संत जी आए, मुनिराज जी आए। अच्छा, मुनिराज आए गए। मुनि तो कह रहे हो मालिक? अरे मुनिराज। अच्छा, ये संत जी बोलते। अच्छा संत बाबा बबुल्ली। चूर, उसके बाद क्या हुआ? संत जी ने बचा लिया जी, जी। उसी जंगल में एक झोपड़ी बना के रहने लगी। फिर क्या हुआ? 9 महीने बाद जी, उसके पेट से बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा किसी गंदी नाली में था और वो बेचारी बिहार। जो बच्चा पैदा हुआ, बच्चा गंदी नाली में पड़ा था, उसी काले काले पानी में, और वो बेचारी भी होश हो गई थी। हुजूर, उसके बाद फिर क्या हुआ? जब उसे होश आया जी, अपने बेटे को सीने से लगा लिया जी, 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 जी। बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, फिर धीरे धीरे उस बच्चे की परवरिश किया। वो बच्चा सयाना हुआ जी, जी, जी। एक दिन अंजना बीमार पड़ गई जी, जी, जी। दवा के लिए पैसा नहीं था। वो बच्चा लोगों के सामने भीख मांगता था जी, कि मेरी माँ बीमार है, एक पैसा दे दो। तो लोग पैसे के बजाय उसके हाथों में थूक देते थे, लेकिन पैसा किसी ने नहीं दिया। फिर क्या हुआ मालिक? बहुत रोया चिल्लाया जी, जी, आकर अपनी माँ से जिद कर लिया कि माँ, आखिर मेरे पिता कौन है? हाँ, सही कही। बताओ माँ, क्यों इतना दुख से रही हो? बताओ मेरे पिता कौन है? जब बेटे ने मजबूर किया तो माँ ने कहा, तुम्हारे पिता और कोई नहीं, यहाँ के महाराज अमर बहादुर है। वो बच्चा दौड़ता हुआ महाराज, जब वो बच्चा महाराज जी के पास गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या देखता है, महाराज मर चुके थे। महाराज मर चुके थे, खत्म हो गए। उनका बेटा ये राजा बना बैठा था, शंकर सिंह जी, जी, जी। कोई सबूत नहीं था, वापस लौट आया। भाई कौन सबूत? इधर उसकी माँ भी मर गई, किसी तरह कफन दफन किया और उसी वक्त कसम खा लिया कि माँ, जिन लोगों ने तेरी खुशियों में आग लगाया है, मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, लेकिन उनकी रात को सत्यानाश कर दूंगा। लेकिन मालिक, उस लड़की का लड़का कौन है मालिक? इतनी लंबी कहानी बुझा रहा है, अबे लड़का का ना बता मालिक। वो लड़का और कोई नहीं, यही मंत्री अजय सिंह है। आप, आप जिस वक्त मेरी माँ ने मेरे हाथों में दम तोड़ा है, उसी वक्त मैंने कसम खा लिया है जी, कि महाराज शंकर सिंह, तुम्हारी रात को शमशान घाट बना दूंगा, दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं महाराज को बदनाम करता हूँ भाई, और जिस दिन मौका मिला उसी दिन नामारे साथ। ऐसा है, लंबरदार इतनी लंबी कहानी बता रहा है, वह अर्चना नाम की लड़की के लंबरदार लड़का ही, वह लड़की के लड़का लंबरदार रही। अब भाई, वह लड़की के शादी भय नहीं रहा, खाली प्यार के चक्कर में पैदा भय है, पैदा भय। बप्पा को कोनो ठिकाना नहीं ना, लेकिन निशानी है कि महाराज अमर बहादुर है। लेकिन भाई लंबरदार, यही का मतलब आप जंगल में पैदा भय हो? हाँ भाई, का क्या चाहते हो? लंबरदार, का मतलब भी आप छिना रखे साहेब? महाराज अमर बहादुर का बेटा हूँ और दोबारा छिनारा का नाम लिया था यार। अच्छा मालिक, एक बात बताओ, सब बात छोड़ो मालिक, ये बात बताओ, आप मंत्री कैसे बने? हाँ, मंत्री कैसे हुई? मंत्री के पाद में आप कैसे बैठे? ये सारी बातें पूछ के क्या करोगे?
जानना चाहते हो कि मैं यहाँ का मंत्री कैसे बना। जी एक दिन महाराज शंकर सेन अपनी बेटी मीनाक्षी का जन्मदिन मना रहे थे। बीरा दरबार में रखा गया था। जी चारों तरफ ऐलान था जी कि जो इस बीरे को उठाएगा जी सेनापति से जंग होगी, जंग में जीतेगा तो यहाँ का मंत्री बनेगा। मैं लवारिस दर बदर के ठोकरे खाने वाला इंसान, भूख प्यास से परेशान, मैं रात दरबार गया जी। हमने बीरा उठाया और सेनापति से जंग हुई जी। जंग में मैं जीत गया, तब से उसी दिन से यहाँ का मंत्री बन गया। लेकिन मेरे दिल में वही बदले की भावना है, इसमें मेरा आधा हक है, इसलिए मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मिटाएंगे हम उसे, तो उस जगह मारेंगे जहां पानी नहीं मिलेगा, और पानी भी होगा तो कोई पिलाने वाला नहीं मिलेगा। तुम दोनों हमेशा शंकरपुर रियासत जाते हो जी, बताओ जी इस शंकरपुर रियासत में किसकी लड़की खूब सुंदर है जिसकी इज्जत हम लूटेंगे और नाम महाराज शंकर सिंह का लगाएंगे? बोलो। लंबादार लड़की हुए तो कितने साल का हुए तो चल जाए। कितने साल की हो? हाँ भाई। अरे हमारी उम्र कितनी है? ओ 18 16 17 18 साल की। जैसे लंबरदार 18 साल के बदले 9-9 साल की दूल्हे आई तो न चले भाई, न दूल अठारह, उन्हें दूध पिलाना है क्या? न दूल अठारह। नौ दून 18 नहीं, एक पीस से ही समझ में आ, सिंगल पीस। हाय 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 लड़की हाय। भाई जा हमारी तेल लगा के। अरे यार तेल का करके लगाई है। सो बोले तो बोले साले चल नहीं है। हुजूर ये कहा की भाषा है रे? कहा की भाषा? देश की भाषा है मालिक।
कौन से देश का रहने वाला है? हम रेगिस्तान के रहने वाले मालिक। यहाँ क्या करने आया है? अगर कोई किसी से बात करता है तेल लगा के करता है। ये रेगिस्तान नहीं है जी। क्या बता रहा है? हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान है। अपनी भाषा बदल दो नहीं तो। ठीक है मालिक, छोड़ देंगे धीरे धीरे। बोलो, जल्दी बोलो मालिक। लगातार एक लड़की हमारे नजर में है। क्या नाम है उसका? मालिक, वह लड़की के सामने हाइलोजन फेल है। रतहुआ माँ कमरा के अंदर खड़ी कर दियो तो लाइट का मतलब ही नहीं। तब तो नाम भी बहुत प्यारा। अरे लंबादार, एक दिन वह लड़की वह लौंडिया हमारे घर आ गए। हमारे घर आया रेगिस्तान वाला मनैया वा रहा। अच्छा, दोनों जने मिल के जब तक वही कई इच्छा नहीं भर दी, दरवाजे से हटी नहीं न। अच्छा, तब तो हमारे काम की नहीं है। कहे भाई, कहे मालिक। अरे जब तुम उसकी इच्छा भर दे तो वो क्या है? अरे लम्बा सा खवाइन पियान है कि आपको दूसर सोच रहे हैं वह ला के हम नहीं ला। हमारे शायद पर फ्यूज उड़ा है। क्या नाम है उसका मालिक? वही का नाम है खौरहिया कुकुर। अरे हम कुत्ता नजर आ रहे हैं तुम्हें? आप तो इंसान हैं। फिर साले कुतिया को क्यों बताते हो? कहे वो लड़की ना है का? सोने मालिक, भाई हमारे नजर में लड़की तो नहीं ना, एक थाई औरत है, अगर चल जाए तो बताओ मालिक। देखने में खूबसूरत है, सुने में नंबर वन है, लेकिन वही के कमी है। क्या कमी? वही के गोदमा 6 महीने का बच्चा है। बच्चा है? चल जाए। नहीं, किसके घर की इज्जत है वो? अरे जो सेनापत विजय सिंह है ना, सेनापत विजय सिंह की बीबी आई। हाँ, और नाम सीता और खाओ जैसे पपीता। ये सेनापत विजय सिंह, अब मजा आएगा। सलाबाद बढ़ भर के बातें कर रहा था कि मंत्री अजय सिंह झूठ बोलते हैं। जाओ, एक सीता वो थी कभी रावण ने छुड़ाया है जी। अरे सीता यह है जिसे एक कलयुगी रावण छुड़ाएगा जी। तुम जाओ जी, सीता से बोल दो कि तुमसे मंत्री अजय सिंह मिलना चाहिए। ओके, जाओ, हमारा पैगाम हटाओ। ठीक, जा रहे हैं। और हम तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। तुम रात दरबार में रहना और ये बात किसी से बताना नहीं। भैया, भैया यार, या देखिए भैया, डीजल घरवाली साहब जहाँ कहीं भी हो ला करके ट्रैक्टर के पास, जनरेटर के पास डीजल हटा दे। नहीं अभी अभी चंद मिनटों में ये लाइट बुझ जाएगी, फिर आप लोग अंधेरे में बैठेंगे। भैया, हाँ यार है एक चीज है। हाँ, हम तो सोचे तोहरी वाली को बता दें। हाँ, अगर तोहरी वाली को बता दें। हाँ, तो तोहरी वाली का दुर्दशा ही बदी रही। अरे दुर्दशा की जैसे लाला का बोकारी बटोरी। हाँ यार, यार ये बताया कौन मार मारत है यार? मार? हाँ? अरे यार जब तो हिका मारत रहा ना। हाँ? हमका बड़ा नीक लागत रहा। देख लिया कहा हाथी का, अरे पहाड़ी ऊंट। हाँ चलो, हमका मारी तुमका नीक लाग। ए जब तुम्हारे सटा सट सटा सट धरी ना। हाँ? हमका बड़ी मजा आवत रहे। हाँ? जब तुम्हारे हच कितना मोर भाई, जब हमारे जब धाई के हच किसी ना। हाँ? मोर भाई जब धाई के हच किसी हमारे कसी के, भगवान जाने यार है? अब हमारे बतावे में शर्म ला गई यार। यार शर्म के काबत हमारे दो तीन बूंद पेशाब छूट गया यार। तोहरी? हाँ यार, देख लियो सहेली मुतना कर। चलो मान ली ना लंबा दार मारी तोहरे दो तीन बूंद पेशाब छूट गया। हाँ, कई ऐसे दोखी से होशियारो रहे हो। हाँ, इतनी टाइम एक खरिंजा चकरोड़ दिखाई नहीं पड़ता है। बात तो सही है यार, यही का अगर मूंगफली नहीं मिलता है तो छोकला चबाब चालू कर दिया था। हाँ यार, हाँ हाँ, अब की मारिश आए तो दो तीन बूंद पेशाब छूट गया है। यही से होशियार रहे ने, अगर अब की आएगा ना। हाँ? तो मारी पेशाब के पूरी नली फाट जाए। हाँ यार, कहा चिटकिन जाए। जाबे करी सही आया। ऐसा करो। हाँ चलो, चला जाए। चला जाए तोहरे हमारे काहे चला जाए। हाँ? यार आओ, कहते हैं चलते हैं, चलते हैं। हाँ? चलते चलते कहना क्या है? कहना है क्या? कहना है आ?